हेलो एवरीवन, कहीं उतने ही देर में पॉटी कर दी तो वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची स्वराज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग हो चुके हैं रेडी एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए बहुत देर से। पहली बार ऐसा हुआ है कि लेडीज लोग इतना जल्दी रेडी है, लेट हैं जाने में। और आद्या भी यहाँ पे है। क्या चाहिए? दरवाजा खोलना है। जो खोल के आओ, जो नहीं उतरोगी। सो गाइस चलते हैं हम लोग। और व्लॉग मैंने कुछ शूट ही नहीं किया आज, बहुत कुछ हुआ दिन भर में, बहुत सारे कॉल्स भी मिस हो गए, फ़ोन वगैरह था ही नहीं मेरे पास। तो अभी चलते हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं करते। सो गाइस फाइनली यहाँ अंशु आ गई थी और आज फिर हम तीनों भाई बहन, पहले तो हम लोग दो भाई एक बहन होते थे, अभी हम लोग दो बहन एक भाई एकत्रित हुए हैं। तो एक भाई तो है नहीं मेरा अभी, यहाँ पे पटना गया था, यहाँ पे अंशु आ गई थी। तो यहाँ पे वो आद्या को खिला रही थी, फिर जो दोनों बच्चे थे ना जिनका बर्थडे था उनके साथ पता चला कि उनके बुआ के भी बेटे का सेम डे पे ही बर्थडे है। और हमें ये जब बर्थडे वर्थडे सब हो गया, खाना पीना सब खा लिया, तब बाद में पता चला कि ये जो बर्थडे है ना वो थोड़ा पोस्टपोन्ड होके हो रहा है। ये जो बर्थडे था वो ऑलमोस्ट 7 को हो चुका था, लेकिन नवरात्रि की वजह से मनाया नहीं गया था। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ की हर एक चीज़, और पूरी फैमिली हम लोग इकट्ठे हुए थे वो भी अच्छा लग रहा था। और इतने ज़्यादा मान सम्मान से सब लोगों ने मतलब किया ना इनका घर, मुझे घर तो क्या, ग्राउंड जो है ना बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली हो सकेगा तो मैं अभी तो नहीं बट कभी आऊँगी, अगर तो कभी किसी इवेंट में गई या खाली दिन पर गई तो मैं दिखाऊंगी। बिकॉज इनका घर ऐसा है ना कि बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हम लोग एमिनिटीज़ ढूंढते हैं ना कि स्विमिंग पूल हो, ये हो, वो हो, इनके घर में मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ का आंगन में देखी ना तो मैं एकदम खुश हो गई। यहाँ से मैं रियल वॉइस में शेयर कर दे रही हूँ, शायद आप लोग को दिख जाए। तो सो गाइज यहाँ पे फाइनली टाइम हो चुका था विदाई का, तो यहाँ पे लगा रही थी मेरे को सिंदूर प्रीति जी। तो यहाँ पे आद्या को भी लग गया टीका, फिर मैंने भी लगा दिया। जब मैंने लगाया ना चूड़ी बिंदी चूड़ी पे और मंगलसूत्र में, क्योंकि बैंगलोर में मोस्टली लगा देते हैं, तो ये लोग बोले अच्छा चूड़ी पे भी लगाया जाता है क्या। तो हाँ, हमारे इधर मतलब उधर तो हम लोग लगा ही कुछ भी कर बैठो अंशु, कुछ जाइए, हम नहीं रोक रहे हैं, जाइए, हमको झुट्टा मुट्टा फंसा देती है, जाने का मन खुद नहीं रहता है। हम तो चलो जी, मन नहीं है जाने का, हम नहीं जाने रहे हैं। बैठो बैठो ना, ना एक बार नहीं कहेंगे कि छोटू तुम बैठो, हमारी बहनिया जा नहीं रही है, इसको कितना भी बोलो। चलो बहनिया, अरे अंशु एक दिन के लिए तो तुम चल ही सकती शुक्रवार के आ जाओ, मूवी देखने चला जाएगा। मूवी तो बाय बाय। अपने फेवरेट जगह पे गाइस, वहां तो मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई, लेकिन अपने फेवरेट जगह पे आई हैं क्योंकि इनको लग रहा है यहाँ एसी मिलेगा, लेकिन बेचारी बैठ तो गई है, नीचे ही बैठती है। तुम्हारे मुंडी पे लग जाएगा बेटा, ऊपर ऊपर चलो, तुमको छोटू भैया को मैं बोलूँ लाइट ऑफ करो, फिर जाके टीका पे सारा लाइट ऑन कर दिए, बंद करो जल्दी आद्या। देखिए गाइस 1 2 3 एक रह गया, एक नहीं जला। चलो चला गया, छोड़ना, अब बंद करो। जैसे मैं इसको झांक दूंगी,
आ गया जेरी, आ गया जेरी। पूजा हो रहा है तो आद्या भी घंटी बजा रही है और आद्या की मामी पूजा कर रही है। जय जय कर दो, जय 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 जय। बस हो गया, बाय हो गया। सो गाइस, रात में तो बर्थडे वगैरह में चले गए थे, बाकी सुबह जो लाइट ऑफ ऑन का था वो अभी आपने देख लिया होगा, छोटू और आद्या का। बाकी पता है माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है ना कि व्लॉग भी ढंग से नहीं डाल पा रहे हैं, मैं शूट भी नहीं की थी। थोड़े से पल में थोड़ा सा लग रहा है ना कि सब ठीक है, फिर तब तक लगता है कि यार क्या ब्लॉग व्लॉग, मन नहीं करता है। अभी आज मेरा प्लान था, आज अभी तक मैं अपने ससुराल में होती, लेकिन ससुराल नहीं जा पाई मैं। लेकिन देखते हैं, जाने के पहले घर पे भी बात हुई है तो अभी यही है कि जाने के पहले एक बार मिल लेंगे। बाकी तो सब लोग मिले थे, बट क्योंकि आई हूँ तो घर जाना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। घर से ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जाकर देख लेना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा ही, मतलब क्या ही बोलूँ मैं अब। और अभी सिचुएशन ऐसा हो गया ना कि बैंगलोर में फ्लड का इशू हो रहा है और हमारे घर के आसपास, मतलब ये है कि हमारा घर जहाँ है वहाँ तो ठीक है, लेकिन जो रोड है ना उधर स्विगी वगैरह नहीं आ पा रहे, जिनके व्हीकल के चक्के छोटे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा आर ओ, अभी आप लोगों को पता था कि थोड़ा सा ख़राब है, तो हमारा वो फ़िल्टर वाला पानी लगता है जो आर ओ वाला आता है, तो वो अब ख़त्म होने वाला था पानी, मतलब बेसिक चीज़ें जो हैं। तो और पूरे कॉलोनी में, और कॉलोनी में क्या, एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आप रोड नहीं क्रॉस कर पा रहे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। तो अभी स्विगी से ही ऑर्डर किया था लड्डू के पापा ने, वो आधे ही घंटे तक खड़े ही रहा, वो डिलीवरी बॉय जो भी भैया थे वो खड़े रहे, और फिर बाद में जो ट्रक वाले आ रहे थे उनसे बोल करके, ट्रक वाले जो भैया था उनसे बोल करके वो ले लिए। और अभी जैसे न्यूट्रेला वगैरह दिखाया ना तो लड्डू बहुत खुश हो गया। तो ऐसी बेसिक चीज़ें मंगा लिया, जैसे टेट्रा पैक मंगा लिया मिल्क का, और वो स्टोर हो जाता है काफ़ी दिन तक। ब्रेड मंगा लिया है, ब्राउन ब्रेड, और फिर बनाना मंगा लिया है, पानी मंगा लिया है, दूध मंगा लिया, और आलू प्याज ये सब जो बेसिक चीज़ें, बाकी राशन तो घर में रहता है, मतलब सब्जियों का ही ज़्यादा वो रहता है और दूध का। तो दूध कंट्री डिलाइट का सुबह फ़ोन आ गया था कि नहीं आ पाएंगे 5 दिन तक, तो भैया आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी 3-4 दिन के लिए तो मंगा ही लिया है, क्योंकि 3 लीटर्स के करीब दूध मंगाया लड्डू के पापा ने। तो हाफ हाफ लीटर करके खोलेंगे, क्योंकि लड्डू पिएगा, मैं नहीं हूँ तो अभी तो वही देखेगा, वही पिएगा। बाकी लड्डू के पापा बोल रहे थे कि तुम आओगी कैसे, क्योंकि यहाँ तो फ्लड आ चुका है। तो मैं बोली कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊँगी, और जब तक मैं आऊँगी तब तक ऑलमोस्ट मतलब क्या वही है, ठीक हो जाएगा। और ना गाइस, उबासी आ रहा है मेरे को, रात में नींद अच्छे से नहीं हुई है, तो अभी सोऊंगी मैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही तो नहाई हूँ, अभी सोऊंगी। उससे पहले मैं बोल रही हूँ कि इस व्लॉग में आपने जो साड़ी देखी है वो मनीषा भाभी की है, और बहुत सारे लोगों ने इस पे कमेंट किया, मैंने रील डाला था तो कि ये मनीषा भाभी की है, तो हाँ जी बिल्कुल ये मनीषा भाभी की है। और पहले मैं नहीं पहनती थी, लेकिन कल फिर मनीषा भाभी ने बोला कि दीदी आप पहन लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे पार्टी वार्टी के लिए कुछ लाई भी नहीं थी, और जिस टाइम पर मुझे पहनना था मम्मी मार्केट गई हुई थी, तो मैं सोची क्या करूं। और मैंने जो ब्लाउज़ लाया था ना वो करवा चौथ के लिए, मतलब दे दिया एक ब्लाउज़ बनवाने के लिए उसका नाप, तो इस वजह से वो अपने साड़ी को नहीं पहन पाई मैं। और बाकी अभी कुछ नहीं, व्लॉग को करूंगी यहीं पे एंड, और अभी जस्ट हम लोगों ने खाना पीना ही खाया है, बाकी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा ना खाना पीना का। मैं सोच रही हूँ गाइस, सॉरी, मैं सोच रही हूँ, आद्या सो रही है, मैं भी जाके थोड़ी देर सो लेती हूँ, क्योंकि जितना बोल रही हूँ मुझे नींद आ रहा है, उबासी आ रही है। तो इस व्लॉग को रहने देंगे यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया। तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसी के साथ व्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। बाय बाय।